बिहार के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन आज के दौर में अभिभावकों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन कम आय वाले आम आदमी अपने शिक्षा को चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। उसकी तंग जेबें ये अनुमति नहीं देती, मजबूरन ही वो सरकारी स्कूल में दाखिला कराते हैं। लेकिन अब उस कोटे को भी आप जान जाइए जिसके तहत आम आदमी अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकता है, उस बच्चे की फीस सरकार भरेगी। तो चलिए बताते हैं कि आरटीई कोटा क्या होता है। कम आय वाले लोगों को अगर आरटीई कोटे के बारे में पता रहता तो वो भी अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में इस कोटे के तहत करवा लेते। दरअसल नामांकन शुल्क और फीस के साथ ही आने वाले हर खर्चों को देखते हुए आम लोग बड़े प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के एडमिशन से कतराते हैं। लेकिन अगर आप आरटीई कोटा के बारे में जानते हैं और इसके तहत बच्चों का दाखिला करवाते हैं तो आपकी तमाम टेंशन दूर हो सकते हैं। दरअसल जो स्कूल रजिस्टर्ड है उसको 25% तक एडमिशन इसी आरटीई कोटे से करना पड़ता है। अगर आरटीई के तहत दिए गए शर्तों को पूरा करने के बाद भी कोई स्कूल बच्चे का एडमिशन नहीं लेता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर नियम का पालन स्कूल नहीं करता है तो उस पर एक्शन लिए जाने का प्रावधान है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार भी राशि देती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरटीई के तहत नामांकन के लिए सरकार प्रत्येक बच्चे के हिसाब से करीब 12,000 रुपए सालाना फीस देती है। स्कूलों को ये फीस सरकार देती है, जिसकी जानकारी अगर कम आय वाले अभिभावकों को हो तो वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।